महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो, बुराई की विजय हो। महाविनाशिनी की जय हो। मैं जानती हूँ कि मेरी सेना तीनों लोकों में मेरे नाम का राज कायम करना चाहती है। ऐसा ही होगा। तो है देर किस बात की महाविनाशिनी? दीजिए आदेश इस सेना को कि मान ले मुझे अपना प्रधान और चले मेरे आदेश पे। हाँ महाविनाशिनी, दे दीजिए आदेश सेना को कि मान ले तबा तबा को अपना प्रधान और कर दे समाप्त से यही। नहीं 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 महाविनाशिनी, हूँ मैं सेवा की ठीक। आज इसी समय महाविनाशिनी अपनी बुराई की सेना के साथ सच्चाई और अच्छाई के संपूर्ण विनाश का संकल्प लेती है। जाओ जाओ बुराई की सेना, जाओ परियों को, बालवीर को, सच्चाई और अच्छाई के हर साथी को समाप्त करो। जाओ। मुंडा भाई, मैंने आपसे कहा था बापूजी से चेत मत लगाइए। अरे डरपोक, अरे मैं ये मोती हासिल करके बापूजी से ये वाली शर्त ही जीत जाऊंगा, देखना। रॉकी, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, अब क्या करें? मैं तो बोलता हूँ हार मान लेते हैं। क्यों, अब लगाना है घर में सिक्योरिटी अलार्म? बाबूजी नहीं। रानी पेरी, महाविनाशिनी किसी भी पल यहाँ आती ही होगी, उससे पहले इन चारों सेनापतियों का अंत करना बहुत जरूरी है। परियों, हमें अपने बालवीर पर पूरा विश्वास है, वो इन दुष्ट सेनापतियों को समाप्त करने की कोई ना कोई रणनीति अवश्य बना रहे होंगे। अब हम उन्हें बल से नहीं अकल से समाप्त करेंगे। मानो मेहर मोंटो, ये सेनापति बहुत चालाक है और इसीलिए वो हमें उन पर एक साथ वार करके उन्हें समाप्त नहीं करने दे रहे हैं। पर और क्या करें बालवीर, हम अपने दुश्मन सेनापतियों पे बराबर वार कर रहे हैं। शायद हम यही गलती कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन किस पर किस समय वार करेगा और इसीलिए वो हमारे हर वार के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और इसीलिए हम जैसे उन पे वार करते हैं वो हमारा वार किसी न किसी तरह से बेकार कर देता है ना बालवीर? हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उन पर एक साथ वार भी होगा और वो समाप्त भी होंगे। इसका मतलब हम इस बार दूसरे सेनापति पर वार करेंगे? हाँ मोंटो, हम वार करने के लिए तो अपने अपने सेनापति की तरफ ही बढ़ेंगे, लेकिन निशाना बनाएंगे किसी और सेनापति को। इस अचानक बदलाव से वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसी का फायदा उठाकर हम एक ही साथ एक ही समय पर उन चारों सेनापतियों का अंत कर देंगे। सिर्फ बातें ही बची हैं क्या बालवीर? तुम्हारे और तुम्हारी सेना के पास या फिर कोई बहाना ढूंढ रहे हो यहां से भागने का? अभी भी हम सब से युद्ध करने की हिम्मत बची है तुम सब? अच्छा, क्योंकि अब हमारा वार तुम सबको आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर देगा।
हाय 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 मोटा भाई। हेलो बापूजी, मैं हाय हेलो वाला हाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं दर्द वाला हाय बोल रहा हूँ रॉकी। हाय, ऐसा हाल तो कोई असली चोर का भी नहीं करता जैसा इनका हुआ है। हाय, जो हो गया सो हो गया, बस अभी महेश को वो पड़ जाए। क्या डंडा? अरे नहीं गधेड़ा, जिसके लगते हमें नींद आ जाती है ना वो। क्या इंजेक्शन? अरे नहीं जीजा जी, जो हम छुट्टी में करते हैं ना वो। आराम? हाँ आराम, पहले क्यों नहीं बताया? बस महेश को अब आराम पड़ जाए। इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये न्यूज वाले कुछ भी बताते लेकिन ये ही नहीं माना। आप देखते हैं न्यूज में क्या आ रहा है। बहुत समय से आसमान में जमीन के उस टुकड़े से महाविनाशनी ने बच्चों को नीचे नहीं गिराया है, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि बच्चे सुरक्षित है, या फिर बच्चों को बालवीर और रानी परी ने सुरक्षित कर दिया है? जो कुछ भी हो इसके बारे में अभी कहना असंभव है, क्योंकि जब तक आसमान में जमीन का वो टुकड़ा रहेगा और बच्चे उसकी कैद में रहेंगे हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो बहुत खतरे की बात है, बच्चों को परेशान करके महाविनाशिनी को क्या मिलेगा? हाँ बापू जी, देखिए ना पूरी की पूरी जमीन आसमान में उठ गई है। अरे ये गड्ढा तो हमारे खेलने वाले ग्राउंड से ही बड़ा है। बापू जी, महेश बच्चे गार्डन में खेलने ही गए हैं, कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं? बहू ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना वक्त तो बच्चों को कभी नहीं लगता, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बच्चों को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। ए, तुम लोग चिंता मत करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वो तो बाहर गए ना मैच खेलने के लिए। रॉकी जा, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनको ले क्या। ओके। तो तैयार हो जाओ सच्चाई और बुराई के बीच सबसे बड़े युद्ध के लिए। पृथ्वीलोक और परिलोक पर सच्चाई और अच्छाई की परछाई भी नहीं रहनी चाहिए। सच्चाई और अच्छाई के हर अंश को मिटा दो। जाओ, इसके लिए सबसे पहले सच्चाई और अच्छाई की सबसे बड़ी शक्ति बालवीर और परियों को समाप्त करो। तो जाओ, हमारे आदेश का पालन करो। गार्डन में ढूंढना चाहिए, बच्चे वहाँ गार्डन में होंगे। नहीं नहीं मोटा भाई, मानव मेहर बल्लू वो लोग गार्डन में भी नहीं है। अरे गार्डन में नहीं थे तो आसपास ढूंढना चाहिए, वहाँ मैच खेल रहे होंगे। नहीं नहीं, वो लोग आसपास भी नहीं थे, वो क्या और कोई बच्चे भी नहीं थे। बेटा तुम चिंता मत करो, बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। महेश तुम मानव और मेहर के दोस्तों को फोन करो और पूछो अभी। मोटा भाई, मैं उनके दोस्तों के यहाँ भी गया था, उनके दोस्तों के यहाँ वो नहीं है, उनके दोस्तों ने बोला आज कोई मैच भी नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं रॉकी, फिर बच्चों ने हमें ऐसा क्यों कहा कि उनका बहुत बड़ा मैच है आज? आज कोई मैच नहीं है तो फिर कहाँ जा सकते हैं? रानी परी, बालवीर और बच्चों को देखकर लग रहा है जैसे उन्होंने सेनापतियों का अंत करने के लिए कोई योजना सोच ली है। हाँ बालपरी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि बच्चों और बालवीर का वार इन दुष्ट सेनापतियों पर आखिरी वार होगा। ये बुराई की सबसे बड़ी जीत है महाविनाशनी। सही कहा शातिर परी, आज मेरा सपना पूरा होगा, सच्चाई और अच्छाई का संपूर्ण विनाश। वो देखो, जा रही है सेना बुराई का झंडा लहराने। yeah!
कब खत्म होगी? जब चारों सेनापति समाप्त होंगे। मतलब इसका गए सेनापति भी और फटेंगे धमाकों की तरह हम भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। मालवी, शाबाश बालवीर, शाबाश। आपने अपनी सूझबूझ से चारों सेनापतियों का अंत कर दिया। और बच्चों, हमें आपकी बहादुरी पर गर्व है। हमने तो सिर्फ वही किया जो बालवीर ने हमें सिखाया। हाँ, वैसे भी मुझे लड़ाई बहुत पसंद है और ये लड़ाई सबसे बेस्ट लड़ाई थी। हाँ मोंटू, जिस चालाकी से तुम चौथे सेनापति को यहाँ पे लाए, उसके लिए हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। तो फिर मैं ये पंजा घर लेके जा सकता हूँ? नहीं रानी परी, ऐसा मत करना। हाँ, क्योंकि इसके पंजे की शरारतें हमें झेलनी पड़ेगी। मानव, मेहर, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी धरती पर पहुंचते ही ये शक्तियां आपसे अपने आप अलग हो जाएंगी। बालवीर, अब तुरंत जमीन के टुकड़े को नीचे ले जाना होगा ताकि ये बच्चे सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सके। मोंटू, मानव और मेहर, अब आप तीनों अलग अलग दिशाओं में जाइए और इस जमीन के टुकड़े को धरती की तरफ अपनी शक्ति से मोड़ दीजिए। ठीक है रानी परी। अगर इस जमीन के टुकड़े पर हमारे बच्चे होंगे तो वो भी सुरक्षित होंगे। देखा, मैंने कहा था ना, बालवीर जहाँ पे वहाँ पे बच्चों का बुरा हो ही नहीं सकता है। अरे बहू, अब तो वो कर दो जो गुदगुदी होने पर हम करते हैं। डांस? अरे नहीं गधेड़ा, डांस नहीं। अबे टीवी में प्रोग्राम देखते हैं ना कॉमेडी, तब हमें जो आती है ना वो करो। हंसी? हाँ, मैंने क्यों नहीं बताया। सारे बच्चे सुरक्षित आ चुके हैं। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि इनको किसने बचाया। बच्चों, आपको किसने बचाया? बालवीर ने। हाँ, बदमा अकेला नहीं था, उसके तीन छोटे सेनापतियों ने भी हमें बचाया। तीन छोटे सेनापतियों ने? ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर अकेले नहीं थे बल्कि उनके तीन सेनापति भी थे। आखिरकार ये सेनापति कौन थे? अरे वाह, मैं भी बनूंगा बालवीर का सेनापति। महेश,
सारे बच्चे आ गए लेकिन मानव महर अभी तक नहीं आए। हम आए। मानव बेटा मैं कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मानव महर को मैंने किसी काम से बाहर भेजा था। बालवीर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बता नहीं पाया। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, बालवीर की मदद करना तो अच्छी बात है। बालवीर वो तुम्हारे साथ वो छोटे छोटे सेनापति कौन थे? मानव और महर। मेरा मतलब मानव महर जैसे मेरे दोस्त है वैसे ही मेरे कुछ और दोस्त थे। थैंक यू बालवीर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.